हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का ये बता सकते हैं कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स है वो पैरा मैग्नेटिक है या डाया मैग्नेटिक है। मोस्टली जो ये क्वेश्चंस हैं किस में आते हैं, क्लास ट्वेल्थ की यूनिट है 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसके ये क्वेश्चंस हैं। तो देखो, इस वीडियो के देखने के बाद आप कैसा भी कॉम्प्लेक्स आपको गिवन हो तो आप इजीली पता लगा सकते हो कि जो अपना गिवन कॉम्प्लेक्स है वो पैरा मैग्नेटिक होगा या डाया मैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे, हाउ कैन वी टेल वेदर गिवन कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक और डाया मैग्नेटिक। जो गिवन कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक होगा या डाया मैग्नेटिक होगा। तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं। कैसे? एक तो जो अपना, हमें क्या पता होना चाहिए कि जो अपना लिगेंड होगा वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। ठीक है, बस यही चीज़ आपको पता होगी और साथ में जो ये इनके कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होंगे तो आप इजीली बता पाओगे कि जो अपना कॉम्प्लेक्स हमें गिवन है वो लो स्पीड, वो पैरा मैग्नेटिक है या डाया मैग्नेटिक है। तो देखो, वन बाय वन हम अब हम इनको डिस्कस करेंगे। तो जो सपना सबसे पहले है वो क्या है, NiCN4 2 नेगेटिव। तो सबसे जो पहला काम है वो क्या है, अपना जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालेंगे, जिसके लिए हमें निकालनी होती है उसके लिए हम मानते हैं एक्स प्लस में, यहाँ पे कितने लिगेंड हैं, 4, और एक CN पे कितना चार्ज होता है, CN को हम कैसे लिखते हैं, CN नेगेटिव, एक नेगेटिव का तो मल्टीप्लाई में -1 इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स पे वो कितना है, -2। तो यहाँ से क्या होगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू -2। तो जो यहाँ से x इज इक्वल टू -2 प्लस में 4 x आएगा वो किस में आएगा, +2 में आएगा, कि जो अपना निकिल होगा वो किस में होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अब यहाँ पे हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जो अपना निकिल होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 28, और जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है हम कैसे लिखते हैं, हमने लिखा आर्गन, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके बाद 4s2 और 3d8। अब हमें किसका चाहिए है, अपना निकिल है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पे हमें चाहिएगा किसका, Ni2+ का। तो यहाँ से क्या होगा, जो ये इसके s वाले इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से निकल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3d8। और जो अपना ये CN होता है, CN होता है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये आपको किससे पता चलेगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलेगा, CN इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से इसमें क्या होगी, पेयरिंग होगी। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से यहाँ पे क्या होगी, पेयरिंग होगी। तो अब हम इसके बनाएंगे ऑर्बिटल्स, ये अपना किसका है 3d, हाँ ये किसका हो जाएगा अपना 4p का। ठीक है, तो यहां से देखो, और जो 4s है अपना ये इसके बीच में है, हाँ, इसके बाद जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 3d8, ये अपना 4s है, ये अपना 4p है, 3d8 है, मतलब d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 हैं। तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फिलअप है वो ऐसे ही होना चाहिए ना इसमें, कि हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं वो ऐसे दिखा दिए। लेकिन साथ के साथ आप यहाँ पे देखो कि हमने क्या बोला है, कि जो भी अपना ये CN है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से इसमें क्या होगी, पेयरिंग होगी। तो यहाँ पर ये ऐसे ना होके इसके साथ आ जाएगा। अब अपने पास क्या है, 4 CN लिगेंड है, तो यहाँ से हम एक CN अपना यहाँ पर आया, एक CN यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पे। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, डी, एक डी का है, एक एस का और 2p के, DsP2। तो यहाँ से जो अपना ये कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है स्केयर प्लानर। और यहाँ से देखो, हमने क्या देखना है कि जो अपना गिवन कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। तो यहाँ पे देखो, जब भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो जो अपना कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। वहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन हमें नहीं दिखाई दिया तो वो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जितने भी जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं, पेयर्ड हैं। तो जो अपना ये कॉम्प्लेक्स है फर्स्ट वाला, ये क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक, क्यों, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां पे जो अपना फर्स्ट वाला है इसका क्या आंसर होएगा, डाया मैग्नेटिक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे,
एक तो ये चीज़ लिख लो यहाँ पे कि स्ट्रोंग होगा या वीक होगा, साथ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे, है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड कॉम्प्लेक्स पे, क्या है NiCl4 टू नेगेटिव। तो इसमें भी हम ऐसे ही निकालेंगे कैसे कि जिस मेटल के लिए हमें निकालनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट उसको हम मानते हैं एक्स, प्लस में जितने भी लिगेंड्स यहाँ पे होते हैं 4 लिगेंड है, उसके बाद Cl पे कितना चार्ज होता है हम लिखते हैं Cl को Cl नेगेटिव, तो Cl पे होता है एक नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से हो जाएगा -1 इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स पे वो किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है, तो एक्स -4 इज इक्वल टू -2। यहाँ से जो एक्स आएगा वो भी किस में आएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, मतलब जो अपना निकिल है यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट में लिया था वैसे यहाँ पे भी किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसका भी जो कॉन्फिग्रेशन होगा जैसे पहले में हमने लिखा था क्या हो जाएगा 3d8, इसमें हमने फर्स्ट क्रम इसका देख चुके हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है अपना ये 3d, ये हो जाएगा 4s और ये हो जाएगा 4p, 3d 4s एंड देन 4p। तो यहाँ से देखो अब अपने पास d में है कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो अपना Cl होता है वो होता है एक वीक फील्ड लीगेंड, वीक फील्ड होने की वजह से इसमें क्या होगा कोई भी पेयरिंग नहीं होगी। तो जैसे हम वो और अपना पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें चलेंगे 5, 6, 7, 8। हाँ अब इसमें पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो जो भी अपने ये जो फोर, हाँ जो फोर क्लोरीन्स है इनको आना है, तो ये कैसे आएंगे, एक क्लोरीन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, और यहाँ से इसकी ज्योमेट्री हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे है दो सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पे जो अपना जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिख सकते हैं हम, पैरा मैग्नेटिक क्यों ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की परसेंट से जो अपना सेकंड कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड कॉम्प्लेक्स पे, इन कॉम्प्लेक्स को देखने के बाद आपका ये जो डायमैग्नेटिक है और पैरा मैग्नेटिक है इस कॉम्प्लेक्स में कोई भी डाउट नहीं बचेगा, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं। उसके बाद अपना क्या है थर्ड कॉम्प्लेक्स, वो क्या है Fe(H2O6)3+, ठीक है। तो यहाँ से भी हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट अपना जो निकालना वो पहला काम है, तो जिसके लिए हमने निकालना है उसके लिए हमें लिखेंगे एक्स, उसके बाद कितने लिगेंड्स हैं 6, उसके बाद जो अपना H2O होता है वो होता है एक न्यूट्रल लिगेंड और साथ में होता है वीक फील्ड। न्यूट्रल का मतलब क्या है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसका जो डोनेशन होता है वो किससे होता है, इसके लोन पेयर से होता है, तो 0 इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स पे वो कितना है +3। तो यहाँ से जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी +3, कि जो अपना Fe है वो किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो पहले हम लिखेंगे सिंपल Fe का कॉन्फिग्रेशन, जो अपना Fe होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 26 और इसका जो कॉन्फिग्रेशन होता है वो होता है आर्गन 4s2 एंड 3d6। अब यहाँ पे ये तीन ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये हो जाएगा कितना, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो ये बचेगा 3d5। अब हम इसको बनाते हैं, ये हो जाएगा 3d का 4s 4p, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब जो अपना H2O होता है वो होता है वीक फील्ड लिगेंड, तो इसमें पेयरिंग तो होगी नहीं, तो जो अपने लिगेंड्स आएंगे वो किस में आएंगे, सिंपल 6 लिगेंड्स हैं अपने, तो यहाँ से हम इसका जो नेक्स्ट वाला ऑर्बिटल है वो बनाएंगे, क्या हो जाएगा 4d। तो यहाँ से क्या होगा, कितने हैं 6 लिगेंड्स हैं, तो 1s2 2 3 4 5 एंड 6। तो जो अपने इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या हो जाएगी, एक एस ऑर्बिटल यूज है, 3 पी के है और 2 डी के, sp3d2, और जो अपना कॉम्प्लेक्स होगा वो होगा एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हमें क्या निकालना था, पैरा मैग्नेटिक होगा या डाया मैग्नेटिक होगा, तो यहाँ से देखो इसके पास है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो जो अपना गिवन कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। तो गिवन कॉम्प्लेक्स इज पैरा मैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना? पैरा मैग्नेटिक। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ कॉम्प्लेक्स पे। तो जो अपना फोर्थ वाला है वो क्या है? PtCN4 2 नेगेटिव। यहाँ से भी जो अपना पहला काम होगा वो क्या होगा? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो जिसके लिए हमने निकालनी है उसके लिए x प्लस में कितने लिगेंड हैं? 4। CN को हम कैसे लिखते हैं? CN नेगेटिव, तो इस पे होता है एक नेगेटिव चार्ज, तो मल्टीप्लाई में -1 इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स पे, विच इज इक्वल टू -2। और जो ये लिगेंड होता है अपना क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो यहाँ से देखो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो क्या आएगी? -2 x इज इक्वल टू +2। तो जो PT है वो किस में है? अपना प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। और जो CN है अपना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो उसकी जो पेयरिंग होगी। अब आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि हमें प्लेटिनम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे याद होगा? अगर आपको 21 टू 30 एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन याद हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट कम्प्लीटली याद है, तो आप इजीली वहाँ से इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। कैसे? हमें निकिल का पता होता है, क्या होता है? 3D8 4S2 पता होता है इतना में। इसके बाद हमें इसका बस हमें जो इसका है ना ग्रुप वाइज याद होना चाहिए। कैसे? निकिल के नीचे क्या आता है? पैलेडियम, देन आता है प्लेटिनम। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? बस शेल चेंज होती है, यहाँ पे 4D और 5S हो जाता है, यहाँ पे 5D एंड 6S हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5D8 एंड 6S2। तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? 5D8 एंड 6S2। और हमें किसका चाहिए है? Pt2+ का। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 5D8। जो एक्स वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा अपना Pt+2 का कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसको बनाते हैं। ये क्या है? अपना एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या होगी? अपनी पेयरिंग होगी। तो अब हम बनाएंगे इसको 5D 6S एंड 6P, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 5D8, मतलब यहाँ पे पेयरिंग भी होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 1 2 3 4 5 6 7 8। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से यहाँ पे हो जाएगी पेयरिंग। तो यहाँ पे क्या बचेगी? अब अपने आने हैं CN को, तो एक CN यहाँ। तो जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो हो जाएगी DSP2, और ये क्या हो जाएगा? अपना कॉम्प्लेक्स स्केयर प्लानर। अब देखो हमें बताना है कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो अपना गिवन कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक ड्यू टू अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे? डायामैग्नेटिक, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने फिफ्थ एग्जाम्पल पे। तो देखो फिफ्थ एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है? Fe F6 3 नेगेटिव। तो इसमें भी अपना सबसे पहला काम क्या है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना। तो ये क्या हो जाएगी? x प्लस में 6। F एक F पे कितना होता है? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम -1 से इज इक्वल टू जो टोटल नेगेटिव चार्ज होगा, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू -3। x इज इक्वल टू -3 प्लस 6, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो हो जाएगी +3। तो यहाँ से जो अपना Fe है वो किस में है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जो सिंपल Fe होता है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अपना 3D6 4S2। तो यहाँ से Fe3+, तो ये हो जाएगा 3D5। तो यहाँ पे हम जब बनाएंगे तो जो अपना F जो अपना फ्लोरीन होता है वो होता है वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड होने की वजह से यहाँ पे कोई भी पेयरिंग नहीं होगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा अपना 3D, ये अपना 4S एंड देन अपना 4P। 4S और 4P, डी में है अपने 5, और यहाँ पे पेयरिंग होगी नहीं। क्यों नहीं होगी यहाँ पे पेयरिंग? तो यहाँ क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे अपना जो लिगेंड है वो है वीक फील्ड लिगेंड। तो अब हम डी लेंगे नेक्स्ट वाला, तो ये हो जाएगा 4D। तो अब जो अपने F आएंगे वो एक इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास और इसके पास। तो यहाँ से जो अपनी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो हो जाएगी sp3d2। और यहाँ पे जो अपना कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो अपना कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। उसके बाद जो अपना लास्ट बचता है ये क्या है? CO F6
थ्री नेगेटिव। तो इसमें भी जो अपना पहला काम क्या है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। इसके लिए हमने निकालनी है एक्स प्लस में सिक्स इंटू में एफ पे हम क्या लिखते हैं नेगेटिव, तो इस पे क्या होता है एक नेगेटिव चार्ज, तो इंटू में माइनस वन इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स पे वो है माइनस तीन, तो एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो यहाँ से एक्स होगा वो होगा प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे पेयरिंग होगी नहीं क्योंकि जो अपना वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ से कोबाल्ट है किसमें है प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है पहले कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 27, तो 3d7 और 4s2, तो यहाँ पे क्या बचेगा ये 3d6 क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुके हैं, दो यहाँ से एक यहाँ से, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसको, ये हो जाएगा अपना 3d देन 4s देन 4p और देन उसके बाद आएगा अपना 4d 3d 4s 4p एंड 4d। हमें इलेक्ट्रॉन कितने करने हैं फिलहाल 6, तो 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग यहाँ पे होगी नहीं। अब जो अपने लिगेंड्स आएंगे फ्लोरीन एक यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3d2 और यहाँ पे जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो अपना ये गिवन कॉम्प्लेक्स है ये क्या हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक। तो ऐसे हम किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ़िगरेशन और उसकी ये पता होने से कि जो लिगेंड है वो अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, हम पता लगा सकते हैं कि जो अपना गिवन कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।